शर्नूर सलगर गुलबर्गा से आया, गुंडागर्दी किया, सेम कांग्रेस भी वही कर रहे, गुलबर्गा के लोगों को कांग्रेस टिकट दे रहे, यूनो भी आके अभी टिकट भी नहीं बटा तो गुंडागर्दी हो गया, मारा पीटी हो गया। क्या बसो कल्याण को क्या सोच क्या रखा है इन लोगों ने? और जो पैसे वाले लोग है, मनी पावर वाले लोग है, ऐसे लोगों को टिकट दे देती है तो ये कांग्रेस पार्टी हम सेक्युलर कैसा कहे? या कांग्रेस पार्टी प्रूव करे कि हम सेक्युलर है तो कैसा है? मैं सबसे पहले बसो कल्याण धरती माँ को नमन करके स्वर्गवासी बी नारायण राव जी को नमन करते हुए मेरे सभी बसो कल्याण भाई बहनों को नमस्कार बोलता हूँ। आज जो विजय सिंह साहब का टिकट आज कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है उस सिलसिले में मैंने आज ये प्रेस मीट बुलाया हूँ। बसो कल्याण का, कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीरो थी। कांग्रेस पार्टियों का डिपॉजिट जब्त हुआ था, हमारे नारायण राव साहब ने यहाँ पे कड़ी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी स्टैंड करके उन्होंने एक एमएलए बनके असेंबली में जाके कांग्रेस पार्टी का झंडा लगवाया था। नारायण साहब ने मुसलमान भाइयों के लिए CAA NRC ऐसे जो गहरे मुद्दे थे इनको, इनके मुद्दे उठाकर उन्होंने मुस्लिम भाइयों को बड़ा धैर्य दिया था। असेंबली में भी जाके उन्होंने अनुभव मंडप का क्वेश्चन उठा के अनुभव मंडप का प्रोजेक्ट इधर चालू किया। उसके बावजूद जब बाय इलेक्शन आ गए तो उनके धर्मपत्नी को टिकट दिया था, देने के बाद उन्होंने करीबन 54,000 वोट्स लिए थे। तो हम सभी को ऐसी आशा थी कि उनके धर्मपत्नी को वापस टिकट मिलेगा, क्योंकि वोटों की अगर संख्या देखेंगे 54,000 वोट्स उन्होंने लिए थे, तो इसके लिए हमें बड़ी उम्मीद थी उनको टिकट मिलेगा। अगर उनको नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट कोली समाज के जो दूसरे एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट था, दूसरे एस्पिरेंट का तो कंसिडरेशन हो जाएगा, ये हमें उम्मीद थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये डिनाई करते हुए श्री विजय सिंह साहब का टिकट उन्होंने डिक्लेयर किया। अभी विजय सिंह साहब का टिकट किस कारण से डिक्लेयर किया उन्होंने हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक हमारा नॉलेज है, ये गोर गरीबों को कुचल कर बड़े लोगों को देने का, टिकट देने का ट्रेंड ये पहले से कांग्रेस में है ही। हमारे नारायण राव साहब बड़ा बड़ा मेहनत करके उन्होंने एक लेवल पे गए थे, लेकिन वो गोर गरीबों की पार्टी नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं को वो टिकट देते हैं, ये साबित हो चुका है। अभी रिसेंट मुस्लिम भाइयों का रिजर्वेशन निकाला गया तो उसके बारे में एक लफ्ज भी विजय सिंह सामने बोले नहीं है। शरणु सलगर मुस्लिम भाइयों को खिलाफ काफ़ी वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे थे, उसके खिलाफ कुछ बोले नहीं। उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया था, मैंने आवाज़ उठाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका कुछ भी सोच मायने जीरो रखती है। और जो पैसे वाले लोग है, मनी पावर वाले लोग है, ऐसे लोगों को टिकट दे देती है तो ये कांग्रेस पार्टी हम सेक्युलर कैसा कहे? या कांग्रेस पार्टी प्रूव करे कि हम सेक्युलर है तो कैसा है? सिर्फ हम मुसलमान भाई लोग, दलित बैकवर्ड लोगों का हमारी वोट बैंक बोल के यूज़ कर लेके आप हमारा इस्तेमाल कर लेके बड़े लोगों को आप हमारे छाती पे बिठा देते हैं, तो ये बड़े लोगों को राजनीतिक अधिकार की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीतिक अधिकार की ज़रूरत है गोर गरीबों को, जो पिछड़े समाज, जो वंचित समाज है, इन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रोविजन करके ये समाज सभी
मुख्य प्रभाव में आना चाहिए। भाई बड़े लोगों को क्या जरूरत है बोलो राजनीतिक अधिकार की। अभी टाटा बिरला अंबानी सब उनका उनका सेटअप है, वो राजा लोग है, वो उनको क्या जरूरत है राजनीति में आने का। तो सामाजिक समतोल रखने के लिए संविधान में ये प्रोविजन बना के सभी जाति वर्गों को सभी धर्मों को समतोल रखने के लिए संविधान बनाया गया। ये डेमोक्रेसी देश चला रहे हैं तो हम अभी बड़े परेशान हैं। ये संविधान और डेमोक्रेसी ऐसा अगर माहौल रहा है तो बचेगा क्या? और खास करके मैं बसों कल्याण की स्थिति बोल रहा हूँ। बीजेपी ने तो पूरे बाहर के कैंडिडेट दे के ऐसे ऐसे कैंडिडेट दे के बसों कल्याण को बर्बाद कर दिया है, और कांग्रेस में भी सेम वही हो रहा है। शरणु सलगर गुलबर्गा से आया, गुंडागर्दी किया, सेम कांग्रेस भी वही कर रहे। गुलबर्गा के लोगों को कांग्रेस टिकट दे रहे, यूनो भी आके अभी टिकट भी नहीं बटा तो गुंडागर्दी हो गया, मारापीटी हो गया। क्या बसों कल्याण को क्या सोच क्या रखा है? उम्मीद करते हैं कि बसों कल्याण का सुपुत्र ही बसों कल्याण का MLA बने। मैं सभी आप माध्यम के मीडिया के माध्यम से मैं सभी सेक्युलर पार्टियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो कोली समाज के लोगों को हम ऐसे बैकवर्ड लोगों को एक मौका दे तो डेफिनेटली एक मुख्य प्रभाव में आने का हमको मौका मिलेगा, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पिछली बार मल्लिकार्जुन खोबा ने एक प्रेस मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है आपकी ड्यूटी महाराष्ट्र में जॉब करते हैं जी, तो उन्होंने आपकी तारीफ की थी कि वो बसों कल्याण की आपकी सोच रखते हैं, आपकी फिक्र करते हैं बसों जी जी। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, किस तरह देखते हैं बसों कल्याण को? नहीं, उन्होंने जो आज से नहीं, मैं 20 साल से करता हूँ, उनको मालूम ही है। और उन्होंने जब 2004 में जब फर्स्ट टाइम MLA बने थे तो हमको बहुत गर्व हुआ था। उस टाइम पे सबसे पहला सत्कार मैं हमारे वाड़ी में मैंने रखा था उनका, जब फर्स्ट टाइम MLA बन गए तो हम बड़ा होप्स रखे थे कि ये आदमी, इनके पीछे बड़ी कास्ट है, CM तक पहुंच सकते हैं, ये ऐसा हमारी सोच थी। इसलिए हो सकता है उन्होंने भी हमारे जो काम हमने किया है उसकी तारीफ की। सर, लोगों का कहना है कि जी आपके मैसेज साधु प्रज्ञा ठाकुर को एक साथ में है जी, फिर पिछले बाई इलेक्शन में भी आप जो है शरणु सलगर को सपोर्ट करे थे जी, तो फिर इस बार जी अगर कोली समाज में माला मैडम को दे सकते हैं तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते थे जबकि आपने बाई इलेक्शन में उनका विरोध किया था? बाई इलेक्शन में हम तो विरोध करने का सवाल ही नहीं आता। मैं तो अभी नौकरी छोड़ा ही नहीं ना, तो अभी मेरा पहला पार्टी रहेगा जो मैं छोड़ के जिसमें ज्वाइन होता वही मेरा फर्स्ट पार्टी रहेगा। और रही बात आप बाई इलेक्शन की बोल रहे हैं, वो बाबूराव चिंतनसूर का ये था, वो सब वो पार्टी का था, मिसेस हमारी पार्टी में थी तो वो लोग यहाँ पे बैठ के काम करे, इसके अलावा हमने तो कुछ किया नहीं। अब दूसरी बात, अभी जो दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि माला मैडम को आप सपोर्ट करते थे, तो मैं कांग्रेस में एस्पिरेंट था। इस बार मैंने 2 लाख का DD भरा हूँ तो लीगल मैं एस्पिरेंट बना था। अगर इनका एक ग्रीन सिग्नल मिलता तो हम रेसिग्नेशन देने वाले थे हम, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम इसी पे अड़े हैं। अभी कोई सेकुलर पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपका इशू? आने वाले दिनों में 100% हमको कुछ पार्टियां अप्रोच हो रहे, जैसे रेड्डी की पार्टी है, NCP है, ये लोग अप्रोच हो रहे। लेकिन हम सोच रहे कि थोड़ा सा कहीं कर्नाटक में जिसका अच्छा प्रभाव है या कास्ट कॉम्बिनेशन बन के कोई पार्टी जो विनिंग कैंडिडेट करती है, ऐसा थोड़ा सोच में है। अगर कांग्रेस पार्टी आपसे मुलाकात करती है फिर आपको कहती है कि कुछ ना कुछ हम आपको भी क्या है काम करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिल दिए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे या फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आपको अकेले फिर इंडिपेंडेंट कोई भी पार्टी से? जी जी, ये सेकुलर पार्टी से जाएंगे। कोली समाज के कुछ लोग सर इसमें विजय सिंह के टिकट दिए जाने पर उसके खिलाफ स्ट्राइक करे थे कल, तो ये क्या आपके तरफ से स्ट्राइक था या कोली समाज की तरफ? समाज के लोग कर रहे सब, और नॉट ओनली बसों कल्याण, ये पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरा सब तरफ हो रहा है। लोगों का कहना है कि आपने JDS
पार्टी हाईकमान से जाकर मुलाकात की जी, और उनसे भी क्या टिकट की अपेक्षा की जी, तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या टिकट वहाँ से मिल सकता है आपको? अगर नहीं, लोकल से अगर टिकट मिलता है तो आप कैसे करेंगे? जैसे कभी साहब को टिकट मिला है ऑलरेडी जी, तो उनके ऊपर कैसे करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप? जी जी, 100% साहब को। यहाँ पे कैसा है, हम दलित बैकवर्ड मुसलमान या हम तीनों मिले तो यहाँ पे हुकूमत बना सकते हैं। और हुकूमत किसको ज़रूरत है ये भी मैंने बताया, ये हम गोर गरीबों के लिए ज़रूरत है, ये बड़े लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है ये। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। कौन है कोली समाज का? जो कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है वो पार्टी से ये नहीं कर सकते, वो कांग्रेस पार्टी में काउंसलर है, पद पे, पोस्ट पे है। समाज की बात कर रहे हैं तो सर समाज के साथ भी रहना चाहिए। मैं समाज के साथ में है, पक्का रहेगा ही रहेगा, सवाल ही नहीं आता। आने वाले दिनों में सर क्या आप कंटेस्ट करेंगे? पक्का बैकवर्ड साथ सपोर्ट भी करेंगे बोल रहे हैं आप, इलेक्शन लड़ेंगे बोल रहे हैं? नहीं, वही अभी अगर कोई बैकवर्ड कैंडिडेट अगर नहीं आया, मुस्लिम कैंडिडेट अगर कोई नहीं आया तो हमको कर तो डिक्लेयर किया, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सुनने में आ रहा सर कि आज आपने जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट और सीएम इब्राहिम से मुलाकात की, उसमें क्या बातचीत होगी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुआ है, खाली फयाज साहब को आपने स्टेज पर इधर ही मुलाकात हुआ था बसो कल्याण में।